दोस्तों स्वागत है आप सभी का टोटल सर्किट चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे ये SMPS है, ये एडजस्टेबल वोल्टेज और एडजस्टेबल करंट इससे आउटपुट ले सकते हैं, यानी ये वेरिएबल पावर सप्लाई है और इससे जो आउटपुट मिलेगी वो DC वोल्टेज की आउटपुट मिलेगी और 1 वोल्ट से लेकर के 40 वोल्ट तक इससे सप्लाई ले सकते हैं। इसमें मैंने यहाँ पर देखेंगे ये स्विचिंग के लिए जो ट्रांजिस्टर का यूज किया है, ये 4 ट्रांजिस्टर लिए हैं। इसको कैसे बनाते हैं पहले इसके सर्किट डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पर सर्किट डायग्राम में देखेंगे यहाँ पर स्विचिंग के लिए जो ट्रांजिस्टर हैं इसके नंबर हैं 1802 के ये ट्रांजिस्टर हैं और ये 4 ट्रांजिस्टर लगाए हैं। ये एक ट्रांजिस्टर की पावर होती है वो लगभग 60 वाट के लगभग ये ट्रांजिस्टर आता है और यहाँ पर ये 13009 का ये छोटे वाला ट्रांजिस्टर है ये 50 वाट का आता है। बड़े वाला जो ट्रांजिस्टर होता है वो 100 वाट का आता है और यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर भी 100 वाट का आता है। ये बड़े ट्रांजिस्टर लगाएंगे तो इससे जो मैक्सिमम पावर लेंगे वो 500 वाट तक की इससे पावर ले सकते हैं। मेरे पास ये 1802 के ही ट्रांजिस्टर अवेलेबल थे, ये मुझे मिले नहीं इसलिए मैंने यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर ही लगाए हैं। यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर है इनको जो ड्राइव करने का काम करता है, यहाँ पर ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, इससे इन ट्रांजिस्टरों को बेस को ड्राइव की जाती है और यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर है इसकी 2 वाइंडिंग 6-6 टर्न की है, इन ट्रांजिस्टर को ड्राइव करने का काम ये करती है। 2 टर्न वाली वाइंडिंग है, ये फीडबैक वाइंडिंग है। इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग का डायरेक्शन है वो इस प्रकार से ही लगाएंगे, जैसे पहला सिरा इसमें पकड़ते हैं तो यहाँ पर ये डॉट का निशान है जो वाइंडिंग का जो डायरेक्शन होता है उसको जैसे इधर की तरफ ले लिया और ऐसे घुमाएंगे तो ये डॉट का निशान ये है और इसको इस डायरेक्शन के साथ में वाइंडिंग करेंगे तो ये सही काम करेगा। और यहाँ पर देखेंगे ये SMPS का जो ट्रांसफार्मर है ये बड़ी साइज का, ये ETD49 है, ये काफी बड़ा ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर छोटा ट्रांसफार्मर ही लगा सकते हैं, ETD39 भी लगा सकते हैं या EE2215 भी लगा सकते हैं। ये मैंने हैवी SMPS बनाने के लिए ये ट्रांसफार्मर यूज किया था। यहाँ पर ये जैसे ही मेरे पास ये बड़े ट्रांजिस्टर आएंगे तो ये सही काम करेगा। इसमें जो प्राइमरी में टर्न है 23 SWG के 2 वायर पैरेलल में लेकर के 35 टर्न लगाएंगे और सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर सेंटर टेप वाइंडिंग है इसकी सेकेंडरी, इसमें 23 SWG के 4 वायर पैरेलल में लगा करके 11-11 टर्न लगाएंगे। और यहाँ पर देखेंगे ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, इसको ड्राइव करने का काम ये 2 ट्रांजिस्टर करते हैं, 13003 के ये ट्रांजिस्टर हैं और यहाँ पर इसको स्विच करने का काम करती है ट्रांजिस्टरों को, ये TL494 KA7500 लगा सकते हैं इसकी जगह पर, दोनों IC सेम वर्किंग करती है। और इस SMPS में करंट कंट्रोल का काम यहाँ पर पिन नंबर 15 करती है। इस पिन नंबर 15 पर जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा तो आउटपुट में करंट बढ़ेगा और जैसे जैसे वोल्टेज घटेगा तो आउटपुट में करंट कम होगा। पिन नंबर 15 पर वोल्टेज कम ज्यादा सेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये 10 किलो ओम का ये पोटेंशियोमीटर है, इससे करंट कंट्रोल होता है। करंट को इस रेजिस्टेंस के मान को बढ़ाकर भी बढ़ा सकते हैं करंट को। यहाँ पर 220 ओम ये रखा है मैंने इसका, तो मैक्सिमम 8 एम्पीयर के लगभग करंट लेने के लिए यहाँ पर 470 ओम की या 1 किलो ओम की भी रेजिस्टेंस लगा के और भी करंट हैवी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर करंट हैवी लेने के लिए ये ट्रांजिस्टर दूसरे लगाने होंगे इस पर। और वोल्टेज सेट करने के लिए यहाँ पर 100 किलो ओम का ये पोटेंशियोमीटर है और ये 1 किलो ओम की ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पर जो ये सेटअप लगाया है 1 वोल्ट से 40 वोल्ट तक की आउटपुट लेने के लिए लगाया है, और भी ज्यादा वोल्टेज बढ़ा सकते हैं लेकिन यहाँ पर इस रेजिस्टेंसों के मान को चेंज करना होगा। और यहाँ पर पिन नंबर 2 पर जो रेफरेंस वोल्टेज सेट किया है वो लगभग 0.4 वोल्ट के लगभग यहाँ पर मैंने सेट किया है और यहाँ पर जो इस IC में फिक्स वोल्टेज मिलता है वो 5 वोल्टेज मिलता है। इनपुट पर चाहे 24 वोल्टेज आए, यहाँ पर 12 वोल्टेज आए, यहाँ पर फिक्स 5 वोल्टेज मिलेगा। इसी 5 वोल्टेज से यहाँ पर पिन नंबर 2 को रेफरेंस वोल्टेज सेट किया है और इसको जो बोर्ड को सप्लाई देंगे वो यहाँ पर एक अलग से ही 18 वोल्ट से 24 वोल्टेज तक की इसको सप्लाई ऑलरेडी पहले देनी होगी, तभी ये SMPS काम कर पाएगी, अन्यथा नहीं करेगी। क्योंकि इसमें एक्सिलरी वाइंडिंग अगर लगाते हैं तो आउटपुट में वोल्टेज कम करेंगे तो एक्सिलरी वाइंडिंग के भी वोल्टेज कम होते हैं, इसलिए अलग से ही इसको VCC सप्लाई देनी होगी इस बोर्ड में। यहाँ पर इसका ये बोर्ड इस प्रकार से बना रखा है, अलग से जो 18 वोल्ट की सप्लाई देंगे वो यहाँ पर देंगे, इससे वोल्टेज सेट होगा और इससे करंट सेट होगा। और दोस्तों मेरे पास कई कमेंट भी आते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं फिल्टर कैपेसिटर उसी पर हाफ ब्रिज SMPS होती है। यहाँ पर मैंने 2 प्रकार की ये सर्किट डिजाइन कर रखा है, ये दोनों ही हाफ ब्रिज के हैं। यहाँ पर अगर सिंगल कैपेसिटर लगाते हैं, एक पॉजिटिव से ये फिल्म कैपेसिटर लगाएंगे और एक नेगेटिव से इसको रिवाइंडिंग पर
देंगे, तो ये भी हाफ ब्रिज है और ये भी हाफ ब्रिज है, दोनों कैपेसिटरों का सेंटर लेके इस प्रकार से देंगे, हाफ ब्रिज ही है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बेटर है कौन सा है, यहाँ पर जो सबसे बढ़िया है इसमें जो सर्किट है वो ये है, इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये कैपेसिटर कई बार वीक हो जाता है और वीक होने के कारण से दोनों ट्रांजिस्टरों पे जो लोड पड़ता है वो कम ज़्यादा होता है, तो इस सर्किट में कम ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ पर अगर मान लो ये कैपेसिटर वीक हो जाता है तो यहाँ पर जो ये ट्रांजिस्टर है ये ज़्यादा हिट होने लगता है और इस ट्रांजिस्टर पे कम लोड आता है, तो यहाँ पर ये लगाएंगे तो ठीक रहेगा। इसमें ये फ़ायदा होता है यहाँ पर एक ही कैपेसिटर लगाना होता है और यहाँ पर दो कैपेसिटर लगाने होते हैं। और अब इस SMPS के जो टोटल टर्न है सेकेंडरी और प्राइमरी के, वो मैंने यहाँ पर जो AC वोल्टेज है इसके, वो एवरेज वोल्टेज लगभग 215 वोल्टेज के लिए लिया है, और इसका DC वोल्टेज निकालते हैं तो लगभग इसका 300 वोल्टेज DC होता है, और हाफ ब्रिज के लिए जो VDC होता है, वोल्टेज DC होता है इसका SMPS का, उसमें 2 को डिवाइड करेंगे। हाफ ब्रिज के लिए जो विन वोल्टेज लेना होता है वो 150 वोल्टेज लेना होता है, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्राइमरी के टर्न निकालने का फार्मूला ये है, यहाँ पर 150 वोल्टेज है और ये 1800 गाजेज है और ये 30 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। इसका जो ATD49 का जो इफेक्टिव कोर एरिया है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके टोटल टर्न आए हैं 34.7। ये तो लगा नहीं सकते इसलिए ये 35 टर्न लगाएंगे इसमें। और इसके जो सेकेंडरी के लिए जो टर्न निकाले हैं मैंने, इसमें सेकेंडरी के जो वोल्टेज लिए हैं वो 45 वोल्टेज लिए हैं, क्योंकि 40 नहीं लेंगे, 40 से ऊपर ही लेंगे, यहाँ पर 45 वोल्टेज लिए हैं। और यहाँ पर ये प्राइमरी के टर्न है और ये सेकेंडरी के टर्न, इसको कैलकुलेशन करेंगे जो, तो सेकेंडरी के टर्न ये 11 टर्न निकल के आएंगे। और अब इस SMPS को बनाते हैं और टेस्ट करते हैं। दोस्तों SMPS बनाने के लिए जिस बोर्ड का मैं यूज कर रहा हूँ, ये उसका ये बोर्ड है, ये PCB लेआउट है, इसको मैंने खुद ही डिजाइन किया है और इसको जो बनाने का प्रोसेस है फिर कभी वीडियो के अंदर मैं आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा। मैंने इसको अच्छी प्रकार से डिजाइन किया है, यहाँ पर मैंने चैनल का नाम भी लिख दिया है। अब इसके अंदर सभी कंपोनेंट को लगाएंगे और फिर इसको टेस्ट करेंगे।
दोस्तों SMPS बनकर तैयार हो गई है। इस SMPS को टेस्ट करते हैं। यहाँ पर ये बोर्ड लगा रखा है जो AC वोल्टेज को DC में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पर ये फिल्टर कैपेसिटर मैंने सिंगल ही लगा रखा है। ये 220 माइक्रोफेरेड और 450 वोल्ट का ये कैपेसिटर है। इस SMPS को पूरा जो कंट्रोल करेगी वो यहाँ पर ये बोर्ड है। इससे करंट कंट्रोल होगा और इससे वोल्टेज कंट्रोल होगा, और यहाँ पर इसको अलग से ही एक सप्लाई देंगे। अब इसको मैं चालू करता हूँ। पहले AC सप्लाई को मैं चालू करता हूँ। AC सप्लाई यहाँ पर आ गई है, लाइट का इंडिकेशन आ गया है, और इसके जो DC वोल्टेज आ रहे हैं उसको टेस्ट करते हैं। DC वोल्टेज 350 वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ पर। अभी तक इस बोर्ड में मैंने सप्लाई नहीं चालू की है, इसीलिए यहाँ पर आउटपुट में भी कोई वोल्टेज नहीं आ रहा। अब इस बोर्ड को चालू करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 1 वोल्टेज आ रहा है। अब इस पोटेंशियोमीटर को जैसे जैसे घुमाएंगे तो इसका वोल्टेज बढ़ेगा ऐसे, और इसका जो मैक्सिमम वोल्टेज पहुँच रहा है वो 43.5 वोल्टेज आ रहा है। इसको 30 वोल्टेज पे सेट कर देता हूँ यहाँ पर 29.5 पे। और अब इस बोर्ड में जो सप्लाई आ रही है उसको भी टेस्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने इसमें 17-18 वोल्टेज के लगभग इसमें सप्लाई दी है। इसमें कम से कम 18 वोल्टेज और मैक्सिमम 24 वोल्ट तक की सप्लाई दे सकते हैं इसमें, और कम से कम इसका जो मिली एम्पियर है वो 500 मिली एम्पियर 18 वोल्ट 24 वोल्ट तक की सप्लाई दे सकते हैं इसमें। इसमें ज़्यादा करंट की आवश्यकता नहीं होती। अब इस SMPS में मैं लोड को लगाता हूँ। लोड के लिए ये लैंप लगा रहा हूँ, 12-12 वोल्ट के ये 3 लैंप सीरीज में लगा रखे हैं, और 29.5 वोल्टेज पे सेट किया था तो वोल्टेज वही है लोड लगाने के बाद में भी और लोड हटाने के बाद में भी वही रहते हैं। अब मैं इसको थोड़ा कम वोल्टेज पे सेट करता हूँ, लगभग इसको 11-12 वोल्टेज पे सेट करता हूँ। 11.9 वोल्टेज है, और थोड़ा हैवी लोड लगाते हैं अब इस पे। अब यहाँ पर देखेंगे वोल्टेज वही है लोड को हटाने के बाद में भी और लगाने के बाद में भी लगभग वही है। और अब यहाँ पर ये करंट का पोटेंशियोमीटर है, इसको जैसे जैसे कम करेंगे तो करंट कम होगा ऐसे। यहाँ पर 3.5 एम्पीयर पे मैंने सेट कर दिया है, ये 3.5 एम्पीयर ही रहेगा इसका, और जैसे ही लोड को हटाएंगे तो वोल्टेज लेवल वो पहले सेट किया था उसी वोल्टेज लेवल पे आके ये रुक जाएगा। और इसको शॉर्ट सर्किट भी करेंगे तो करंट यही रहेगा ऐसे। और इसके करंट को और भी कम कर सकते हैं ऐसे, बिल्कुल इसको बहुत कम कर सकते हैं, 0.1 एम्पीयर भी सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर 0.26 इसका करंट सेट किया है, शॉर्ट सर्किट पर भी वही रहेगा, और इसको हटाएंगे तो वोल्टेज लेवल वो जो पहले सेट किया था उसी वोल्टेज पे आके रुकेगी। मैं करंट को वापस फुल कर देता हूँ, और इसके वोल्टेज को लगभग 17-18 वोल्टेज सेट करते हैं, और फिर इसको टेस्ट करते हैं। और ये इसमें हैवी लोड लगाते हैं थोड़ा, 18.7 वोल्टेज है, और यहाँ पर जो करंट आ रहा है इसका 8 एम्पीयर के लगभग इसका करंट आ रहा है, और बढ़ा सकते हैं इससे वोल्टेज को यहाँ से। तो यहाँ पर देखेंगे ये गर्म हो गई है स्प्रिंग इसकी, यहाँ पर ये 30 वोल्टेज आ गया है इसका। और अब इसके मिनिमम वोल्टेज कितने आते हैं वो भी टेस्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे मिनिमम वोल्टेज इसके 1 वोल्टेज आ रहा है और 0.2 एम्पीयर आ रहा है। इसको 5 वोल्ट पे सेट करता हूँ, 5 वोल्टेज पे। और अब यहाँ पर इसका शॉर्ट सर्किट देखते हैं 5 वोल्ट पे,
तो 10 एम्पियर के लगभग इसका मैक्सिमम करंट जाता है। यहाँ पर जो ये इंडक्टर है SMPS की आउटपुट पे, ये पॉजिटिव लाइन पे मैंने लगा रखा है। इसका 19 नंबर वायर का लगभग 25 से 30 टर्न इसमें लगाएंगे। ये 22 mm के लगभग इसकी कोर है, इससे बड़ी भी लगा सकते हैं इसमें। दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा वेरिएबल SMPS कैसे बनाते हैं, वोल्टेज और करंट को कैसे कंट्रोल करते हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यह वीडियो आपको देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।